हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है 5 दिसंबर 2021, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। आप पढ़ रहे हैं, मेरा नाम है शशांक कश्यप, ठीक है। और आप पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। और आप बेस्ट टाइमिंग है 10 बजे की। संडे को शायद लेट हो जाएगा, मगर आपकी बेस्ट टाइमिंग है वैसे 10 बजे की। और आज हम पढ़ेंगे, आज है 5 दिसंबर, तो हम पढ़ेंगे 4 दिसंबर की करंट अफेयर, ठीक है। टोक्यो के पेरे, एक टोक्यो में अभी एक पो चल रहा है, टोक्यो के पैरा लियन, टोक्यो पैरा लियन मैं कसिस लड़ाका, क्या नाम है, कसिस, जिनका नाम है F12, सॉरी 51 ने 3 दिसंबर को बहरीन में 2021 के एशिया यूथ पैरा ओलंपिक खेलों में क्लब, मतलब अभी कहाँ पे, एशियाई खेलों, एशियाई यूथ पैरा ओलंपिक क्लब में, एशियाई के यूथ पैरा ओलंपिक क्लब में, जो कि बहरीन में हो रहा, कहाँ पे हो रहा है, जो कि बहरीन में, वहाँ पे टोक्यो के पैरा पैरेलियन कॉशिस लड़का F51, ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्वर्ण पदक जीता है ये क्लब में। इन्होंने एशिया यूथ पैरा पैरा ओलंपिक क्लब में टोक्यो के पैरालियन कोशिश कशिश लड़ाका ने F51 में बहरीन के एशिया यूथ पैरा ओलंपिक क्लब में क्या जीता है, स्वर्ण जीता है, गोल्ड पदक जीता है। और ये बहरीन में कब से कब तक चलेगी, ये बहरीन में चलेगी 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक ये एशिया यूथ पैरा ओलंपिक चलेगी, ठीक है। और लक्ष्य लक्षित, और एक लक्ष्य तो होता है मतलब भाला फेंकने वाली, उसमें यहीं पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, एशिया यूथ पैरा ओलंपिक क्लब में, यहाँ पे लक्ष्य में F54 ने भाला फेंका, क्या फेंका, भाला मतलब लक्षित ने, जो लक्षित जे की जिन्होंने भाला फेंका है, जो कि इंडिया के हैं, ठीक है, अपने इन्होंने इंडिया के हैं। और इन्होंने कांसा जीता, नहीं, सॉरी, लक्षित मतलब एक इनमें शाखाएं होंगी कि मतलब, ठीक है, लक्षित F51 मतलब इन्होंने, इनका नाम है टोक्यो के पैरालंपिक कोशिश ने F51 में बहरीन में एशिया यूथ पैरालंपिक क्लब में 2 से 6 दिसंबर के बीच में इन्होंने गोल्ड पदक जीता, ठीक है। अब लक्षित मतलब इसमें लक्ष्य भाला फेंकने वाले में इन्होंने लक्षित ने भाला में कांसा जीता, किसने, संजय ने, किसने जीता है, संजय, क्या जीता है, कांसा, ये है भारत की तरफ से, ठीक है। और भारत की तरफ से एक और गए थे, जिनका क्या नाम था, भारत की तरफ से गए थे एक नीलम, नीलम ये कि फीमेल में है, ठीक है। इन्होंने ये इन्होंने शॉर्टपुर में कांसा जीता, मतलब भारत ने 2 कांसे जीत लिए, ठीक है, इसी युद्ध में भारत ने 2 कांसे जीते। और भारत के संजय ने भाला फेंक में कांसा जीता और भारत की नीलम ने शॉटपुर में कांसा जीता, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र अभी फिलहाल में, जैसे अपने भारत ने सबसे ज़्यादा, अपने भारत में अभी सबसे, भारत के नाम एक वो था कि भारत ने फ्रांस से क्या लिए, 36 सबसे ज़्यादा राफेल लिए, किसने लिए, भारत ने, सौदा हो गया अब, ठीक है। अब इसी सौदे को बरकरार, और इसी तरह फ्रांस से फिलहाल में, अब किसने, यूएई ने, अब फ्रांस से यूएई ने कितने राफेल खरीदे, इन्होंने 80 राफेल खरीदे, ये कि जो कि सबसे ज़्यादा संख्या है, विश्व की सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें विश्व में सबसे ज़्यादा राफेल खरीदने वाला ये देश बन गया, ठीक है। कितने
राफेल खरीदे, 80 राफेल खरीदे, ठीक है। और ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर बन गया, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या खरीदा, अमीरात ने कब में, दिसंबर में, कितने कितने 80 राफेलों का समझौता किया, किससे, किसने किया, यूएई ने किया, फ्रांस से, कब किया, दिसंबर में, दिसंबर 2020 में इन्होंने इस चीज़ का, दिसंबर 2021 में, सॉरी दिसंबर 2021 में इन्होंने समझौता किया कि हम आपसे सबसे ज़्यादा राफेल खरीदेंगे, 80 राफेल खरीदेंगे। और ये अंतर भारत सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय, ये भारत, ये नहीं, भारत के बाद सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार, बाजार में सबसे बड़ा ऑर्डर है ये, ठीक है। और यूएई ने इसके साथ 80 राफेल के संख्या का खरीदा, और वारा, केरला, कैरोकल, सैन्य विमान, कितने विमान खरीदे, 12, कैरोकल, कैरोकल सैन्य विमान, और इसी ऑर्डर में खरीदे। और इन्होंने जेट, मतलब ये जेट और जे सैन्य विमान, ठीक है, और ये परिवहन हेलीकॉप्टर है, मतलब सेना को ले जाने के लिए परिवहन हेलीकॉप्टर, ठीक है। और भैया जी इन्होंने सौदा किया, तो ये सौदा कितना, कुछ मतलब कुछ पैसे भी तो दिए होंगे कि कितने में किया, कैसा क्या किया, ठीक है। अब देख, और ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है, तो मतलब पैसा भी उसी हिसाब से लेगा वो, भाई आपने इतना दिया तो पैसा। अब देखना इन जेट और हेलीकॉप्टर, जेट और हेलीकॉप्टर, ठीक है, ये जेट और हेलीकॉप्टर, मतलब 80 राफेल और 12 कैरोकल सैन्य विमान परिवहन हेलीकॉप्टर, इन लोगों की इसकी कीमत क्या लगाई, इसकी कीमत लगाई है 17 अरब यूरो, ठीक है, यूरो बड़ा होता है रुपए से, ठीक है, 17 अरब यूरो। जेट और हेलीकॉप्टर इनकी कीमत कितनी लगाई, 17 अरब यूरो, मतलब सबसे ज़्यादा होती है, अरब के बाद 17 और यूरो उसमें, ठीक है। ये हो गया ख़त्म ये वाला टॉपिक। अभी कौन है, केंद्रीय विकास और पंचायत के राजगिरी, भारत में एक केंद्रीय, भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास, भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायतीय मंत्री, भारत के केंद्रीय विकास और पंचायतीय मंत्री का क्या नाम है, गिरिजी सिंह, गिरिजा सिंह, गिरिराज, सॉरी गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह ने एक त्रिपुरा में राष्ट्रीय समान दस्तावेज पंजीकृत की प्रणाली की, मतलब इन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री पंचायतीय मंत्री गिरिजा गिरी ने कहाँ पे, त्रिपुरा में, त्रिपुरा में क्या किया इन्होंने, त्रिपुरा में ने राष्ट्रीय समान दस्तावेज, राष्ट्रीय समान दस्तावेज, राष्ट्रीय समान दस्तावेजों को की पंजीकरण प्रणाली की, ठीक है, पंजीकरण प्रणाली शुरू कर दी, किसने करी, केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय समान दस्तावेज के पंजीकरण प्रणाली शुरू की, कहाँ पे, की त्रिपुरा में। और इसमें क्या, उसमें क्या क्या है, इसमें आगे देखिए, आगे क्या 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 है, कितने लोग हैं, इसमें कितने लोग, अब त्रिपुरा में लोग भी तो होंगे, किस किसके लिए, इन्होंने 1.3 लाख आदिवासी लोगों के लिए, आदिवासी लोगों को वन अधिकार मोबाइल ऐप के तहत, मतलब 1.3 लाख आदिवासी लोगों को, कौन सा एक ऐप भी लॉन्च किया, क्या ऐप का, वन अधिकार मोबाइल एपिक, ठीक है, एप्लीकेशन के तहत इन्होंने क्या किया, वन पट्टा,
भूमि मिलेगी, मतलब सभी को समान भूमि मिलेगी। मतलब डेढ़, इसमें से कितने लोगों को फायदा हो, 1.3 लाख, मतलब 1-1.5 लाख के, 1.5 लाख से कम और 1 लाख से ज़्यादा, मतलब 1,30,000, 1 पॉइंट मतलब 1,30,000 आदिवासियों को वन मोबाइल ऐप के तहत जोड़ा गया, जिसमें वन पट्टा भूमि है, जिसमें वन पट्टा भूमि के तहत जोड़ा गया। इसमें सभी लोगों को समान नक्शा दिया जाएगा, मतलब ये जो आदिवासी हैं इन लोगों को समान नक्शा दिया जाएगा, समान नक्शा मिलेगा, कि मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव करें। किसने की, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय समान दस्तावेज प्रणाली पंजीकरण प्रणाली के, मतलब ये पंजीकरण प्रणाली इस मोबाइल ऐप में होगी, ये राष्ट्र जी मतलब भारत सरकार के पास रहेगी और ये मोबाइल ऐप में देख सकते हो कि भाई यहाँ का ये आदिवासी है कि नहीं है। ठीक है, किसके लिए, वन पट्टा भूमि के लिए, वन पट्टा भूमि, और इसमें सभी लोगों के मिलेगा समान नक्शा मिलेगा। ठीक है, और बहरीन में होने वाले जो एशियाई, बहरीन में होने वाले एशियाई युवा पैरा ओलंपिक अनन्या बंसल ने 3 दिसंबर को मनाया। अनन्या बंसल ने अनन्या बंसल ने 3 दिसंबर को भारत का पहला रजत जिताया। किस में जिताया, शॉटपुर में, F20 श्रेणी में इन्होंने पहला रजत जिताया। किस में, शॉटपुर में भारत का पहला रजत किसने जिताया, अनन्या बंसल ने, जो कि बहरीन की एशिया युवा पैरा ओलंपिक जो कि अभी चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, बहरीन में चल रहा है, और अनन्या बंसल ने 3 दिसंबर को F20 श्रेणी में ना शॉटपुर में भारत को पहला रजत जिताया। इसमें कितने क्या देश भाग लिए ये बता रहे, है आयोजन कितनी, कोई श्रेणी भी तो होगी इस आयोजन में, 9 खेल हैं, 9 खेलों की श्रेणी। ठीक है, उसमें किसमें, 30 देशों के 23 वर्ष की आयु से कम लोगों को शामिल किया गया, मतलब इसमें इनमें बच्चों को, मतलब 23 जो कि 22, 21, 20, 18, 19 उन लोगों को शामिल किया गया, और आयोजन 9 खेलों की श्रेणियों में आ जा रहे थे, उसमें 30 देशों को 23 वर्ष की आयु से कम के बच्चों को चुना गया है। ठीक है, किसमें चुना गया, बहरीन के एशियाई युवा पैरा ओलंपिक में चुना गया, पैरा ओलंपिक क्लब में चुना गया है। ठीक है, एक नाम है सुनसान ऑर्डिनल बनी, एक डी जी नी बोर्ड, सुसान ऑर्डनवन और नो डल वर्न डिज्नी बोर्ड की क्या बनी, अध्यक्ष बनी, और ये सुनसान डिज्नी बोर्ड की अध्यक्ष बनी। ठीक है, किसकी बनी, डिज्नी बोर्ड की अध्यक्ष बनी है, और ये कितने सालों में पहली, मतलब कितने साल बाद, 98 साल बाद कोई महिला, कितने साल बाद, 98 साल बाद महिला इसकी अध्यक्ष बनी। ठीक है, मतलब पहली महिला नहीं है, इससे पहले भी एक महिला रह चुकी है, इसलिए 98 साल बाद ये इसकी अध्यक्ष बनी। किसकी बनी, डिज्नी बोर्ड की, जिन्ना है मानी है, डिज्नी बोर्ड की ये अध्यक्ष बनी, कौन बनी, सुनसान ऑर्डल
सॉरी, और जो 14 साल से इस बोर्ड की सदस्य थी, कौन थी, कितने साल से, 14 साल उसे इस बोर्ड की क्या थी, सदस्य, और अब ये क्या बन गई, इसकी अध्यक्ष बन गई। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, केंद्र सरकार ने भारत देश भर में मार्च 2025 तक, लगभग केंद्र सरकार ने क्या किया देखना, 2025 तक, ठीक है, 2025 तक, मार्च 2025 तक इन्होंने 10,500 पीएम औषधि, पीएम भारतीय जन औषधि, पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र पूरे भारत में कितने, कितनी औषधि, 10,500 पीएम जन, पीएम भारतीय, क्या एक मिनट ना, पीएम भारतीय इंडियन जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सुझाव दिए, मतलब सुझाव क्या दिए, मतलब खोलेंगे, मतलब 2025 मार्च तक ये खोलेंगे। इसमें बीजेपी, इसमें कौन कौन सी, इसमें कितना, अभी कितने हैं, 8,533 पीएम BJKS, मतलब इतने लोग अभी इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसमें क्या क्या है, इसमें पीएम बीजेपी उत्पादन, पीएम बीजेपी उत्पादन में 1,451 दवाइयाँ हैं, कितनी दवाइयाँ हैं, 1,451 दवाइयाँ हैं, और उसमें 240 सर्जरी हैं। सर्जिकल उपकरण है, मतलब इसमें सर्जरी कर सकते हैं इन उपकरणों की सहायता से, कितनी है, 1,451 दवाई हैं, बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ होती हैं, उनको सरकार सस्ते दामों में मुहैया कराती है, और 240 सर्जिकल उपकरण है। इसको 2025 से 10,500 पीएम इंडियन भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाने के लिए बोल दिया है। ठीक है, और इसमें पीएम मतलब पीएम बीजेपी द्वारा ये 1,451 दवाइयाँ हैं इसमें, इसी जन औषधि में, और 240 सर्जिकल उपकरण है, मतलब सर्जरी करने के काम में आएंगे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री, ठीक है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे, आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे, उनका क्या नाम था, कोनी जेती रसोइया। हाँ, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कोनी जेती रसोइया, जो कि, किसके, तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके, कहाँ के रह चुके, तमिलनाडु TN के कौन रह चुके, राज्यपाल रह चुके ये, और ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके, मतलब रह चुके। इन्होंने 1998 में नरसाभगेट संसदीय क्षेत्र में संसद का चुनाव लड़ा था, किसमें, 1998 में, कहाँ से, नरसाभगेट, अरे यार, नरसभ राव गेट से इन्होंने सांसद का चुन, संसदीय क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इनकी क्या हुई, इनकी हो गई निधन, इनका निधन हो गया। ठीक है, ये क्या क्या थे, ये तेलंगाना मतलब तमिलनाडु के राजपाल थे, और ये क्या नाम थे ना, कोनी जेती रसोइया, ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन्हें 1998 में नरसभ राव गेट से संसदीय क्षेत्र से संसद का चुनाव लड़ा था। ठीक है, एक नई प्रजाति तितली की, एक नई प्रजाति की खोज की गई, तितली की नई प्रजाति की खोज की गई, और ये प्रजाति की खोज कब की गई, 2015 के बाद,
2015 के बाद यह दूसरी नई तितली की प्रजाति की खोज है। ठीक है, 2015 के बाद यह दूसरी नई तितली की प्रजाति की खोज है। और यह कहाँ की गई? उत्तरीय सिक्किम सिक्किम के कहाँ पे की गई? सिक्किम के दुर्जोंगू में की गई तितली की नई प्रजाति है। इस तितली का नाम, मतलब तितली के चॉकलेट बॉर्डर फिलर नाम से, नाम में नई तितली का वैज्ञानिक नाम, मतलब इस तितली का जो नई प्रजाति होगी तितली की, उसका कोई नाम तो होगा, उसने इसका नाम रखा गया चॉकलेट। चॉकलेट बॉर्डर फिटलर नाम है इसका। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम भी क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम ये है, इसको अगर जैसे कोई भी नाम देते हो तो वैज्ञानिक नाम सही देते हैं। जोग्राफ्रॉट्स, ठीक है, कहाँ मिली? जहाँ पे मिली उस जगह का नाम जोंगुयांसिस। यह तितली 2015 के बाद दूसरी नई प्रजाति, मतलब 2015 में इसकी एक, मतलब इस तितली की नहीं, तितली की एक प्रजाति और मिली थी नई, उसके बाद से तितली की दूसरी नई प्रजाति है जिसका नाम चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर रखा गया, जिसको बैगनर में जोंग क्रिफ्रेंस जोंगुयांसी रखा गया। ठीक है, और 2015 बाद के दूसरी तितली की नई प्रजाति के रूप में इसको जाना गया। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। और कल क्या मनाया गया? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। जब कोई भी दिवस मनाते हैं तो उसके पीछे पूरी एक स्टोरी होती है। क्या हुआ था 1971 में? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध चल रहा था, तो कराची बंदरगाह पर हुए हमले के चिन्हित करने पर, तो कराची के बंदरगाह पर हमला हुआ था। क्या हुआ था? कराची के बंदरगाह पर, कराची के बंदरगाह को चिन्हित करते हुए भारतीय सेना ने इस साल के इस दिन को, मतलब 4 दिसंबर के, इस पर हमला हुआ था। इस दिन को चिन्हित, 4 दिसंबर 1941 में भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था, तो कराची के बंदरगाह को पर 4 दिसंबर को हमले को चिन्हित करते हुए, किसको? हमले को चिन्हित करते हुए, पाकिस्तान द्वारा हमले को चिन्हित करते हुए इसको भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका थीम भी होगा विषय वस्तु, जिसको कहते हैं विषय वस्तु। इसकी विषय वस्तु क्या थी? थीम, जिसको थीम भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इंडियन नेवी कॉम्ब्रेट रेडी क्रेडिबल एंड कोरेसिव, ये इसका थीम होता। ठीक है, इंडियन नेवी कॉर्पस रेड क्रेडिबल्स एंड कोरेसिव। ठीक है, ये किसको? कराची के बंदरगाह को चिन्हित करते हुए इसको बनाया गया। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें।